नमस्कार, मैं कपिला स्वामी, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स की संपादिका। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जो धर्म की रक्षा के लिए, जो भक्ति मार्ग को साथ लेकर के जो राजनीति के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम, अपना एक अलग वर्चस्व बना रहे हैं, ऐसे स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज से। आप तारातर मठ के महंत हैं और आपने पोखरण से चुनाव लड़ा, बहुत ही कम अंतर से राजनीति में चुनाव हार के भी इन्होंने, इनके समर्थक कम नहीं हुए, लगातार इनके समर्थक बढ़ रहे हैं। आपका जो प्रचार है वो पूरे राजस्थान में हो रहा है। तो एक बात जानना चाहूँगी सर कि ये बताएं कि राजनीति, जैसे धर्म ने राजनीति को हमेशा दिशा दिखाई है हमारे देश में, और अब जो लगातार जो योगी आदित्यनाथ जी है, दिनेश पुरी जी महाराज है, सुमेधानंद जी महाराज है और महंत प्रतापपुरी जी महाराज है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि राजनीति का जो धर्म का जो राजनीति में प्रवेश हो रहा है, इस बारे में कुछ कहें। बिना धर्म राजनीति अधूरी है, और धर्म को लेकर के यदि राजनीति होती है शुद्ध और पारदर्शित होती है और वो परमार्थिक होती है, और धर्म को निकालते ही राजनीति में स्वार्थ आता है, स्वार्थ बहुत खतरनाक परिस्थिति में पहुंच जाता है। और पुनः भारत के बुद्धिजीवी राष्ट्र चिंतक सभी जानते हैं कि बिना धर्म राजनीति ठीक नहीं है, और हमारे सामने उदाहरण है परम पूज्य योगी जी महाराज, वहाँ धर्म और राजनीति दोनों का मिश्रण है, और जो मिश्रण है हम सबके लिए आदर्श बन गए हैं, उदाहरण बन गए हैं। ठीक ऐसी आशा पूरे देश के अंदर सभी की ये भावना है कि हमारा सरपंच हो, चाहे हमारा MLA हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, वो इस प्रकार से त्याग और सेवा के भाव के साथ में राजनीति में जाए और धर्म के साथ में जाए, तो निश्चय ही पारदर्शिता रहेगी और गुरुद्वारा तक पहुँचेगी। बिल्कुल, अगर धर्म का राजनीति में प्रवेश है तो पारदर्शिता बढ़ेगी। सर एक बात और बताएं कि जैसे राजनीति में एक महंत के हिसाब से नहीं, आप भाजपा नेता प्रतापपुरी जी के हिसाब से बताएं कि जो राजस्थान सरकार की वर्तमान हालत है, जो प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वैमनस्य है, कोई कह रहा है वो बढ़ा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, और वास्तविकता सब जनता के सामने है। राजस्थान की एक अलग से पहचान थी, लोग राजस्थान के अलग से एक ख्याति समझते थे, पूरा देश दुनिया राजस्थान से सीखते थे, यहाँ के संस्कार, यहाँ की सहनशीलता, यहाँ का व्यवहार, यहाँ का शिष्टाचार, सब दुनिया यहाँ सीखने के लिए आता पूरा विश्व, और कभी कल्पना नहीं की थी राजस्थान नहीं बाहर के लोगों ने कि राजस्थान के अंदर भी इस प्रकार से योजनाबद्ध ढंग से और सीरियल वाइज कोई उनके अनहोनी घटनाएँ घटती रहेगी। पिछले हम सब लोग उद्वेलिक है, दुखी है और त्रस्त हैं कि एकदम क्रमशः पूरे प्रदेश में, प्रत्येक जिले में, चारों दिशाओं में जगह जगह इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, जो हम राजस्थान के लिए शर्मिंदगी का विषय भी है और चिंता का विषय भी है। ये किसी पर दोषारोपण करने का विषय नहीं है, जिनकी नैतिक जिम्मेवारी उनका ही विषय है, और जो हो रहा है पृष्ठभूमि में हम सब लोग जानते हैं, पीछे से इनको पुष्ट कौन कर रहा है, जो इस प्रकार की घटनाएँ कर रहे हैं और खुले मन से करते हैं, बिना बेहिचक कर रहे हैं, जो कभी कल्पना भी नहीं की, कभी सोचा भी नहीं, इस प्रकार से हरकतें जो कर रहे हैं, इस प्रकार जो कृत्य कर रहे हैं, ये नैतिक जिम्मेवारी उन्हीं की है, जिनके सह से, जिनके आश्रय से, प्रसरय से ये लोग अपनी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, और ऐसा लगता है ये थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अनुभव कर रहे हैं कि छोटी सी घटना के बाद में क्या होता है। और जब मुखिया भी इस प्रकार से चिंतन करते हैं कि ये तो छुटमुट घटना ही है, इसे क्या होती रहती है, तब चिंता का विषय ये होता है, करने वाले भी छोटी छोटी घटनाओं के बाद बड़ी बड़ी घटनाएं करते हैं, और पीछे से बोलने वाले भी ये बोलते हैं कि छुटपुट घटना है, इसे क्या फर्क पड़ता है। ये दुख का विषय है राजस्थान के लिए भी, हम सबके लिए चिंता का विषय है कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों खड़ी हुई, किन के कारण खड़ी हुई, जिनके कारण खड़ी हुई, क्यों खड़ी हुई, जनता सब देख रही है, और कौन करा रहा वो भी जनता देख रही, किसी के कहने से कोई आरोप प्रत्यारोप से कोई सिद्ध नहीं होगा, जनता सब जानती है, हम सब लोग जानते हैं कि कौन करा रहा, कौन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने जो थोड़ा बदलाव किया है, हमने देखा सबने कि सार्वजनिक सुंदरकांड के पाठ भी करवाए जा रहे हैं, रामनवमी भी मनाई जा रही है, और तीर्थ यात्राओं को भी राजस्थान सरकार बढ़ावा दे रही है, तो इस बारे में प्रतापपुरी जी क्या कहेंगे? मोदी जी का प्रभाव इतना बड़ा देश के अंदर, विश्व के अंदर, तो मोदी जी जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ राहुल जी ने जाना शुरू किया। मोदी जी मन से काम करते हैं, और वो शायद किस मन से करते हैं आप देख ही रहे हो, मोदी जी धोती पहनते तो वो भी भागते दौड़ते धोती पहनते पर रोटी पहन लेते हैं, मोदी जी के गले में जन्म हुआ है तो वो भी धोती तो जरूर डालते हैं, रोटी बूटी डाल देते हैं, इस प्रकार से करने से कुछ नहीं होगा।
मैं भी जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ा, मेरा नित्य का कर्म है, मेरे नित्य कर्म करना, मेरे धार्मिक अनुष्ठान करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। मुझे देख करके सामने वाले भी मौली बांध रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, साफा पहन रहे हैं और मंदिर में जा रहे हैं, तो हम सब जो जानते हैं कि वो किस लिए जा रहे हैं, केवल मात्र दिखावे के लिए जा रहे हैं, आस्था में जा रहे हैं। यदि उनको वास्तव में करना चाहिए तो जीवन के प्रतिदिन करना चाहिए और अन्य जो उनके अनुष्ठान हैं उन सबको छोड़ देना चाहिए, केवल हमारे अनुष्ठान को ग्रहण कर लें। वो प्रतिदिन जरूर रखते हैं, आइए हमारे साथ यज्ञ करें, गौ सेवा करें और संकल्प करें। राष्ट्र के धर्म के अनुसार दिखावे से कुछ नहीं होगा। केवल वोटों की राजनीति के लिए हम करते हैं तो गलत बात है, बोलते और कुछ हो, जब चुनाव आते तब और कुछ दृश्य दिखाते, भी बहुत गलत है। आप करना चाहते हो तो समर्थन करो ना। अभी जैसे मंदिर का विषय आया अलवर के अंदर, आप आस्तिक होते तो मंदिर की रक्षा क्यों नहीं कर पाए। अब धार्मिकता का विषय आया, अभी ज्ञान में अभी मस्जिद का प्रश्न चल रहा है, आप में से कोई पक्ष में क्यों नहीं बोल रहा, सब सामने ही क्यों बोल रहे हैं, तर्क और वितर्क क्यों कर रहे हैं आप लोग। ये दिखावा जिंदा जानती है कि आप चाहे औरंगा सियार का रूप धारण करो, चाहे वास्तविक सियार बनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो है वो जनता जानती है कि आप क्यों कर रहे हैं, किनको देख के करें, कैसे करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक ऐसी शक्ति खड़ी हुई है विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए, जिनके पूरा विश्व आशा रखता था और हम सब लोग कहते थे कि भारत एकदम विश्वगुरु बनेगा। पिछले दो दिन में जापान यात्रा पर है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और आपने एक फोटो देखा होगा कि मोदी जी आगे है, पूरा विश्व पीछे चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी मोदी जी के पीछे चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी पीछे चल रहे हैं। तो भारत निश्चय ही महाशक्ति बन चुका है। अब ये दोगला रूप छोड़ो और सब साथ आ जाओ, इनके पीछे पीछे चलो, देश पूरा विश्वगुरु बनेगा और महान शक्ति बनेगा। और धर्म और राजनीति का मिश्रण देखना तो योगी जी को देख लो, एक योगी जी के आने के बाद में यूपी का जो दृश्य था वो कितना बदला। तो धर्म को साथ में रखो, दिखावे के लिए मत रखो, वास्तव में रखो। और देश की विकास करना है तो छोटी छोटी हरकतें छोड़ो, देश के लिए हम सब साथ में मिलकर के हितार सोचे, अपने छोटे छोटे इशू और छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ने चाहिए सबको। तो साथ चलने की बात सर कह रहे हैं श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के मंच से। सर एक बात और, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, वैसे ही यहाँ की जनता भी एक ऐसी चर्चाएं भी चल रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि राजस्थान में प्रतापपुरी जी महाराज हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा तो एक ही कहना है, राजनीतिक सेवा और त्याग का विषय है। और देश को आजाद कराया उस समय हमारे सभी राजनीतिक ऐसे थे जो सेवा और त्याग को लेकर के इस राष्ट्र यज्ञ में कूदे थे और पूर्णतः समर्पण भाव से राष्ट्र की सेवा करें। अब भी ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो त्यागी और सेवाभावी हो, जो जातिवाद, परिवारवाद, अन्य किसी वाद को छोड़ करके राष्ट्रवाद को लेकर के सेवा में आए। उन सबको आशीर्वाद है, उन सबके लिए शुभकामनाएं। केवल एक प्रतापी ही नहीं, हम सबको मोदी और योगी बनना पड़ेगा, प्रत्येक नागरिक को बनना पड़ेगा, प्रत्येक नेता को बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम सब लोग कुछ कुछ कर पाएंगे। मैं तो पुनः निवेदन करता हूँ कि हम दिखावे में जिए, उससे अच्छा असली वास्तविकता में जिए। और जीते हैं उनको मैं धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ, जो वास्तव में राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति में गए हैं, जो सदगृहस्थी उनको भी धन्यवाद। परंतु ये विषय बहुत कठिन है, सेवा और त्याग का विषय है, और ये परिवारवाद से भी ऊपर उठना पड़ेगा, जातिवाद से भी ऊपर उठना पड़ेगा, तो ये तो बहुत बड़ा त्याग कर सकते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है, कोई भी करे, संत करे या चाहे गृहस्थ करे, पर सेवा और त्याग का विषय करना पड़ेगा। हम सब लोग मिल करके इस महायज्ञ में कुछ उनको अपनी आहुति दें। राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता प्रभाव, सर जैसे बता रहे हैं कि जातिवाद परिवारवाद से ऊपर उठकर त्याग से राष्ट्र सेवा की भावना जो है वो लोगों में होनी चाहिए। सर एक लास्ट बात बताएं कि एक भाजपा नेता के रूप में या महंत के रूप में जनता के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं पुनः निवेदन करूँगा कि हम सबको मिलकर के राष्ट्र के प्रति चिंतन करना है। संत के नाते भी आपको कहूँगा कि अपने कर्तव्य का बोध करो, कर्तव्य का पालन करो। और राजनीतिज्ञ यदि कहते हैं तो मेरा दूसरा चरण है, उसमें भी मैं यही शब्द कहूँगा कि अपना कर्तव्य का बोध करें और फिर कर्तव्य का पालन करें। मेरा कर्तव्य क्या बनता है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, क्षेत्र के प्रति, वो निष्ठा के साथ निभाना है। अधिकारी, कर्मचारी, किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, अन्य अन्य जो जो जिम्मेवारियाँ हैं उसी को कर्तव्य कहा है। जिम्मेवारी कह दो, ड्यूटी कह दो, फर्ज कह दो, या कर्तव्य कह दो, अथवा हमारी भाषा में धर्म कह दो, एक ही बात है। अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपनी ड्यूटी का पालन करो और अपना फर्ज निभाओ। यानी आपको जो जिम्मेवारी बनी है उनको आप निभाइए। आप जनप्रतिनिधि हो तो आपको कर्तव्य का निर्वहन करना, आप कर्मचारी हो तो अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है।
आप भारत के नागरिक हो, क्षेत्र के नागरिक हो, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। जो कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, अर्थात धर्म का पालन नहीं करता, वो पापी है। आज सबसे बड़ी समस्या यही है, हम जिम्मेवारियां लेके बैठे पर जिम्मेवारियों को निभाते नहीं। ये जिम्मेवारी को ही कर्तव्य का, जिम्मेवारी को ही फर्ज का, जिम्मेवारी को ही धर्म का है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, कर्तव्य बोध करो और कर्तव्य का पालन। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की जनता से स्वामी महंत प्रतापपुरी जी महाराज का ये आह्वान कि अपने कर्तव्य का बोध करें और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करें। सर, श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, आपका साधुवाद, धन्यवाद। मैं आप सबके माध्यम से हमारी बहुत कपिला जी होनहार है, यहाँ की प्रतिभा है, मैं कपिला जी को और समस्त मीडिया प्रभारी को और मीडिया के सभी बंधुओं को आपके माध्यम से जो जनता की आवाज़, जनता की वास्तविकता आम जनता को उठ करके सत्ता और प्रशासन तक पहुँचती है, मैं आपका हृदय से साधुवाद करता हूँ। ये आवाज़ केवल इस कक्ष तक नहीं है, ये आवाज़ पूरे भारत से बाहर भी जाएगी। इस प्रकार से मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूँ, आपका कर्तव्य आप करें। इस कर्तव्य बोध में हम सबको अपनी अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहना, आपके लिए भी शुभकामना करता हूँ। और विशेष करके मुझे तोड़िया सर किस पावन धरा पर राजपुरी समाज के उन प्रबुद्ध लोगों ने मुझे सादर आमंत्रित किया, इतने बड़े विशाल कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य भी दिया और ऐतिहासिक भैरव जी महाराज के मंदिर में दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य दिया, संतों का दर्शन करने का सौभाग्य दिया। तो मैं इन आयोजकों का भी हृदय से साधुवाद करता हूँ, राजपुरी समाज का भी मैं बहुत हृदय से साधुवाद करता हूँ कि पूज्य पाठ तो सराब जी बाप जी सदैव ध्यानाराम जी महाराज जी की मार्गदर्शन में आप लोग चलेंगे और आपने कर्तव्य का बोध करके अपने ब्रह्मत्व को जगाएं, और ब्रह्मत्व जब जग जाता है तो निश्चय ही हम सबकी वो शक्तियाँ, सुषुप्त शक्तियाँ जगेगी और पुनः हम विश्व गुरु बनेंगे, धर्म गुरु बनेंगे। आइए हम सब लोग यहाँ इसी पवन पवित्र प्राण में प्रार्थना करते हुए संकल्प लेते हैं कि हम अपने कर्तव्य का बोध करेंगे। पुनः आप सबका हृदय से साधुवाद। जय गो माता, जय गोपाल, भारत माता की जय।